रविवार को उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले के दो लड़कों ने टॉप किया। मियां बाजार इस्लामिया इंटर कॉलेज बख्शीपुर में 12वीं में पढ़ने वाले अमन मौर्या ने 90% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वहीं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले 12वीं के शशांक श्रीवास्तव ने 89.8% अंक पाकर दूसरे स्थान पर रहे। बेटा जिले में टॉप किया तो माँ की खुशी के ठिकाने ना रहे और अपने बेटे को दुलारे बिना ना रह पाई। अमन की माता ने कहा कि मुझे फक्र है अपने बेटे पर कि आज उसने इस जिले को टॉप किया है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जिले के दोनों टॉपर अमन और शशांक आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। अमन के पिता पेशे से एक व्यवसायी हैं और माँ एक गृहिणी है। अमन दीवानी बाजार डीपी इंटर कॉलेज के पीछे माता पिता और दो अन्य दो भाइयों और एक बहन के साथ रहता है। तीन भाइयों में सबसे छोटा अमन और एक छोटी बहन भी है जो अभी पढ़ रही है। माँ बाप ने पढ़ाई के लिए अमन पर खूब ध्यान दिया, उसकी सारी जरूरतें पूरी की ताकि वह मन लगाकर पढ़ सके। यहाँ तक कि पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो इसलिए घर में लगे टीवी का डिश कनेक्शन भी कटवा दिया। बात करें शशांक की तो तिवारीपुर में परिवार के साथ रहता है। पिता बस्ती के मुंडेरवा बाजार गौरव विद्या मंदिर नाम से एक विद्यालय संचालित करते हैं। विद्यार्थियों की इस कामयाबी पर विद्यार्थी शशांक के प्रधानाचार्य बहुत उत्साहित हैं। जिले के दोनों टॉपर सबसे पहले अपने विद्यालय पहुंचे और वहां अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लिया, उसके बाद अपने परिवार के साथ खुशी के इस पल को साझा किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टॉपर मियां साहब इस्लामी इंटर कॉलेज अमन मौर्या, अमन के माता पिता प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज विष्णु प्रताप और शशांक श्रीवास्तव ने कहा। माता पिता का बहुत सही हो गया और मतलब हर समय मेरी मतलब मदद करते थे और मतलब मुझे कोई भी काम करने को नहीं देते थे। मुझे ज़्यादा टाइम मिले पढ़ाई करने के लिए, इसलिए कोई भी मैं काम घर का नहीं करता था और पढ़ाई मैं 6 से 7 घंटे करता था दिन में और एग्ज़ाम टाइम में 8 से 9 घंटे। नीलम। अच्छा, आप बनना क्या चाहते हैं? मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, कोचिंग के टीचर्स का ज़्यादा सपोर्ट रहा है और जैसे मैं मैथ्स पढ़ता था, संदीप सर नवदीप क्लासेस के टीचर हैं और डीलम में मैंने फिजिक्स का कोचिंग किया था और अनूप सर उनसे केमिस्ट्री का, इनका भी बहुत सपोर्ट है। सभी का फुटबॉल और क्रिकेट पसंद है लेकिन इस समय क्लास 12 में तो काफ़ी खेले नहीं है। वैसे फुटबॉल ज़्यादा पसंद है, टीवी देखना मूवीज़ देखना पसंद करते हैं पर क्लास 12 में तो नहीं देखे हैं, टीवी बंद था। अच्छा, डिश कट गया था। अच्छा, 6 महीने पहले डिश कटवा दिया था। आप पिता हैं अमन के, क्या कहेंगे उसकी सफलता पे? बड़ी खुशी है जब कि मतलब उसकी मेहनत का फल मिला और बस हम लोग का स्नेह प्यार बना रहे हैं उसके प्रति। नाम है? संजीव कुमार नाम। क्या करते हैं आप? ये बिजनेस है मेरा। आज महसूस हो रहा है कि हाँ, कभी मतलब हमको ये उम्मीद था कि मेरा बेटा अपना कॉलेज टॉप करेगा लेकिन ये नहीं सोचे थे कि मेरा बेटा पूरा जिला टॉप करेगा। वाकई में आज हमको अपने बेटे की मेहनत पर बहुत फर्क है। मेरा बेटा सोता नहीं था, कहता था मम्मी रात में हमको चाय कॉफ़ी दीजिएगा बना के, मुझे नींद ना आए। बहुत मेहनत करता था मेरा बेटा। क्या नाम है आपका? नीलम मौर्य। हाउसवाइफ? जी हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। एक बार में क्या करती थी? इतना ज़्यादा ये पढ़ता था, रात हो या दिन हो, तो इतना गुस्सा भी आता था कि इतना ज़्यादा पढ़ाई करता है कि आराम नहीं कर पाता है, खाना नहीं खा पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से गुस्सा आता था। हाँ, गुस्सा आता था कि कभी सेहत खराब हो जाएगी, फिर पेपर नहीं दे पाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, तो खाएगा पिएगा, तो जबरदस्ती खिलाते थे, पानी पिलाते थे कि खाना खा लो, पानी पी लो, ये कर लो बेटा। पढ़ाई के अलावा अपने काम कुछ नहीं सोचता था, अपने पढ़ाई जाके कुछ भी नहीं सोचता था कि हमको खाना है, पीना है, खेलना है, कूदना है, कुछ नहीं। और तो 6 महीने पहले टीवी भी बंद करवा दिया, मम्मी टीवी बंद कर दीजिए, पापा आप बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरी पढ़ाई में। आज बहुत फर्क हो रहा है अपने बेटे पे, बहुत फर्क हो रहा है। पकड़ने
जिले में सेकंड पोजीशन है, जिले में सेकंड पोजीशन सर। मैं बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर होना चाहता हूं। कुछ मैसेज यही है कि सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, जो भी है मेहनत अगर परिश्रम से। यहाँ तक पहुँचने में किसका योगदान रहा है? यहाँ तक पहुँचने में हमारे सभी गुरुजनों, माता पिता, गाइडेंस जो भी किए सबका सर योगदान। कितने घंटे पढ़ाई करते थे सर? कभी गिनती नहीं की लेकिन लगभग 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे कैसा लग रहा है सर? बहुत अंदर से अजीब से फीलिंग आ रही लेकिन अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय का लड़का जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मैं उसके परिश्रम के लिए और उसके अभाव और बच्चे ने जो परिश्रम किया, जो स्थान पाया, विद्यालय का मान बढ़ाया, बहुत खुशी हो रही है। सभी अध्यापक और हम लोग सभी विद्यालय परिवार बहुत खुश हैं आज हमारे विद्यालय का लड़का जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। Thank you.